वहां से अपना हायाबुसा लेके आऊंगा आज वापस। मैंने क्या बोलती चिड़िया आता कुत्ता है। व्हाट इज दिस, मेरी भी ऐसे लंबी है। हाँ, मेरी बीवी का मजाक उड़ाते हुए। मैं अपनी बहन का मजाक आज करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत और वो व्लॉग रहेगा थोड़ा सा मेरे हायाबुसा पर। पिछले दिनों मेरी तबीयत थोड़ी सी हल्की थी इसलिए मैं नहीं जा पाया अरनी बे के घर अपना हायाबुसा वापस लाने के लिए। मेरे बेसमेंट में अरनी बे की कार्बन माफिया खड़ी है, आज मैं उसे फटाफट से बेसमेंट से बाहर निकालूंगा, चला के ले जाऊंगा अरनी बे के घर और वहां से अपना हायाबुसा लेके आऊंगा आज वापस। बिकॉज देखो यार, अपनी बाइक होती है, मैं बाइक चला नहीं पाया पिछले दिनों में इसलिए वो वहां पे खड़ी है, नहीं तो बहुत दिन पहले ही आ गई होती। एंड S1000RR बहुत चला के देख ली, उस पे कंटेंट भी अच्छा बना लिया एंड मैंने जो जो चीजें देखनी थी ना उसे चला के वो सब नोट कर लिए। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले चलते हैं बेसमेंट, वहां से बाइक निकालते हैं कार्बन माफिया और चलते हैं अरनी बे के घर। तो गाइस मैं आ गया बेसमेंट में और ये देखो ये खड़ी है अपनी कार्बन माफिया एंड इसे बहुत दिन के बाद चलाएंगे। अभी मैं इसे साफ नहीं कर रहा, एक ही बार जाके अरनी बे के पूरी साफ करेंगे जाके। मैं फटाफट से निकलता हूं बिकॉज बाहर ना अंधेरा हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं है किस टाइम अंधेरा होता है इन दिनों में। ये देखो आ गया इसका मीटर अच्छा दिखता है इसका ना जब ऑन होता है, तो फटाफट से करते हैं इसे ऑन। ये देखो रोला देखो इसका। चलो शांति हो गया, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। एंड फाइनली मैं अरनी बे की सोसाइटी में पहुंच गया हूं और इसकी लाल बत्ती फिर से जल गई है। अब तो ये पक्का ही है, इसका ना पीछे वाला टायर मुझे लग रहा है पंचर, अरनी बे को बता देंगे। बिकॉज ये उस दिन राइड पे भी जल गया था टायर प्रेशर के और आज भी जल गया। थोड़ा पहले जल जाता तो मैं टायर में हवा डलवा देता लेकिन बिल्कुल बाहर ही जला है। चलो फटाफट से चलते हैं आगे, देखते हैं अपना हायाबुसा और मिलते हैं अरनी बे से। तो यहाँ मैंने लगा दिया कार्बन माफिया और ये खड़ी है अपनी हायाबुसा, तो इसको यहाँ से हटाएंगे और कार्बन माफिया को यहाँ शिफ्ट करेंगे। पहले चलते हैं ऊपर एक बार अरनी बे को हाय हेलो बोलते हैं। चिड़िया बोली चिड़िया। हेलो, मैंने क्या बोलती चिड़िया आता कुत्ता है। व्हाट इज दिस, चिड़िया। हम मैक्स के हिसाब से चिड़िया ही है, चिड़िया उड़ के दिखा। हेलो बेचारा हमारा बच्चा कुत्ता आता है। तो मेरे भी दो कुत्ते हैं, मैं क्या बोलूंगा, हम कुत्ते हैं वो इंसान है। मैक्स डायना इंसान है, मेरा भी कुत्ते हैं। यार है तो कुत्ते, ये कुत्ता वर्ड अच्छा वर्ड होता है। क्या पहन के आया वो पहाड़ी बल्ले, ये पालिका बाजार भेजा था। मेरे जूते, ये मेरे जूतों पे सुसु। और टुचू सुसु क्यों करता है? मैक्स की इतनी थुक्के और सुसु लगा के आते हो तो वहाँ पे बदले, मतलब आपने अपने कुत्ते को सिखाया बदले लेने के लिए। A few moments later. ये देखो हम आगे नीचे अरनी सिंह कपूर। ये आरवी के भाई है ना, तो वो आरवी सिंह कपूर, अब अरनी सिंह कपूर। मेरी भी ऐसे लंबी है। हाँ। हाँ, मेरी बीवी का मजाक उड़ाते हुए। मैं अपनी बहन का मजाक उड़ा रहा हूँ, बकवास करने की जरूरत नहीं। चला बाइक दिखाओ, ये वापस जानी है बाइक। और मेरी बहन के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, टांगा तोड़ दूंगा यहीं पे। अब ज्यादा सेंटीमेंट हो प्लीज। चलो देखो ये आ गया अपना हायाबुसा जो वापस जाएगा। आ गई, ये आ गई अपनी हायाबुसा, ये आ गया। हेलो, डोंट डिस्टर्ब मी। आगे सब सही होता है, देखो कितनी चमक रही है, इतना प्यारा कलर है मेरी बाइक का ना। आपने सिंक तोड़ देना है इसका, इतना खतरनाक कवर डाला हुआ है। ये देखो, तो देखो जी ये आ गया हायाबुसा, आज इसे ले जाएंगे वापस। और मैं सीरियसली इसे बहुत मिस कर रहा था, मुझे बहुत चलाने का मन कर रहा था ये। तो वापसी में तो हो जाना अंधेरा, ये तो पक्की बात है। बिकॉज अरनी भैया के साथ मुझे कुछ कुछ कंटेंट यहाँ पे बनाना है, हमने कुछ कुछ मजे मारने हैं। तो फिर निकलते अंधेरा हो जाएगा, तो फिर मोटो ब्लॉग शायद मैं ना करूँ। एंड यस, आपने मुझे मेरे हेलमेट में फिट कर दो यार, मैं स्ट्रैप लगाता हूँ ना हमेशा, वो तंग करता है, मिट्टी बदबू से बंदर जाती है, तो उसके आगे वो टुच्चू लगा दो। वो टुच्चू लगाने से बदबू नहीं आएगी, फिर शीशा पूरा बंद होगा ना। अब यार अभी शीशा बंद नहीं होता ना, तो टुच्चू लग जाएगा, गोप्रो टुच्चू में लग जाएगा। मैं टुच्चू बोल रहा हूँ, कुच्चू नहीं बोल रहा, यस करे टुच्चू होता है, टुच्चू आप लोग लगाते रहे, मैं माउंट लगा दूंगा गोप्रो। हाँ, वो माउंट यहाँ लग जाएगा, गोप्रो उस पर फिट होगा, तो फिर हमें थोड़ा उस पर भी टाइम लग जाएगा। बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि जाते हुए छोटा मोटा सा आपको इस पर मोटो व्लॉग दिखा दूं। अब मैं फटाफट इनके साथ थोड़े दूसरा कंटेंट बना लेता हूं, जो आपको देखने को मिलेगा जल्दी। हाँ, जो आपको देखने को मिलेगा जल्दी, कोशिश रहेगी जल्दी मिल जाए।
तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो देखो चाबी अपने हाथ लगी है, तो अब चाबी हाथ में है, तो एक बार स्टार्ट करना तो बनता ही है, क्योंकि जहाँ पे ना हम इसे हम जो कंटेंट भी बनाएंगे तो दूसरी साइड लेके जानी है, तो मैं स्टार्ट करके ले जाता हूँ और आपको एक बार इसकी आवाज भी सुना देता हूँ। धक्के खा के हाया की ना दिक्कत है, जो धक्के खा के स्टार्ट होती है। तो चलो स्टार्ट होगी, अब सुनो आवाज। तो गाइस मैं कल रात को हायाबुसा लेके वापस आ गया था, लेकिन एक दिक्कत हो गई थी। आपने देखा होगा कि जो मोटो व्लॉग है उस पर मैंने पीछे ऑडियो लगाया, और उस ऑडियो को लगाने का रीजन ये था कि मेरा गोप्रो फिर जवाब दे गया, पता नहीं क्यों उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, सिर्फ वीडियो ही था वो। एंड सीरियसली मैं बहुत परेशान हो गया, आपको इसलिए मोटो व्लॉग में ना जो मैं बोल रहा था वो कुछ आया ही नहीं है उसमें, इसलिए मुझे ऑडियो लगाना पड़ा, नहीं तो ये व्लॉग ही नहीं आ पाता। लेकिन अब ना मैंने डिसाइड कर लिया इंस्टा 360 लेने का, वो भी ट्विन एडिशन। डिसाइड क्या कर लिया, मैंने उसे ऑर्डर कर लिया है और वो एक दो दिन में आ जाएगा। मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह सब करके दिखा दूंगा, बिकॉज़ मैं ना परेशान हो गया था। और यस, मैंने एक ही बार इन्वेस्टमेंट कर ली, मैंने ट्विन एडिशन ले लिया, जिसमें मुझे गोप्रो वाला काम भी हो जाएगा, मतलब उसमें जो 4K एक्शन कैमरा है वो भी मिल जाएगा और साथ में 360 भी मिल जाएगा। तो एक ही बार में दोनों काम अपन ने कर लिया। अब जो एग्जिस्टिंग गोप्रो है ना उसमें जो आवाज वाला पंगा आ रहा है, जो भी उसका अडैप्टर खराब है कुछ भी है, उसको हम यूज करेंगे एज ए सेकेंडरी कैमरा, कहीं भी बाइक पे लगा देंगे मुझे फेस करके, कोई एक एंगल ले लेंगे जिससे एक्स्ट्रा मतलब हमें दो शॉट्स मिल जाए हर बार के। एंड मोटो व्लॉग तो कल का जो था वही था, लेकिन आपको नेक्स्ट मोटो व्लॉग देखने को मिलेगा इंस्टा 360 जो मेरा नया कैमरा है उसी पे दिखाऊंगा, बिकॉज अब रिस्क नहीं लेंगे हम। एंड होपफुली आपको वो संडे राइड का देखने को मिलेगा, इस बार की संडे राइड होगी हायाबुसा पे। एंड यस अभी मैं नीचे जा रहा हूँ हायाबुसा को चमकाने के लिए, उसकी साफ सफाई करने के लिए। तो एक बार आपको नीचे जाके हायाबुसा दिखाता हूँ और उसकी साफ सफाई हम किस तरह से करते हैं, कौन सी पॉलिश लगाते हैं, आपको सब बताता हूँ नीचे चल के। तो ये लो जी, ये आ गया तुम्हारे भाई का हायाबुसा, ये ले आया हम फाइनली वापस। देखो अभी भी साफ सुथरा ही लग रहा है, बिकॉज वो ग्लास कोटिंग के बाद ना एक फर्क तो है ही है, जो शाइन है इसमें ना वो हमेशा ज्यादा रहती है। लेकिन अभी इसे अच्छे से साफ करेंगे, पॉलिश करेंगे और ये बढ़िया हो जाएगा। एक बार आवाज भी सुन लो, ये लो। एंड जो भी सब कहते हैं कि इसकी आवाज कम है, इसकी आवाज बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, क्योंकि फुल सिस्टम एग्जॉस्ट में नहीं लगाना चाहता। जो स्लिपऑन्स लगे हुए हैं इनकी बहुत ज्यादा आवाज है, और इनका एक बहुत ज्यादा फायदा रहता है, कहीं भी आप चल रहे हो तो आप इसकी आवाज दबाना चाहो, बस उसकी रेस छोड़ दो और उसकी आवाज दब जाती है, तो आप कभी भी उसकी आवाज दबा सकते हो एंड कभी भी उसकी आवाज लाउड कर सकते हो। अब इसे फटाफट से करते हैं साफ। इसे साफ करने के लिए हमारे पास है ये लो हमारा खजाना। तो सबसे पहले ये आ गई पॉलिश, ये वैक्स मुझे अर्नी भैया ने सजेस्ट करी थी और बहुत अच्छी है। इसके बाद ये पानी की स्प्रे जिससे हम पानी मार के साफ करेंगे, माइक्रोफाइबर कपड़ा एंड साथ में ये चेन क्लीनर और चेन ल्यूब भी है। तो देखते हैं इसकी जरूरत है कि नहीं है, बिकॉज अर्नी भैया ने ऑलरेडी इसे चेन क्लीन और ल्यूब करी थी। तो ये देखो थोड़ी सी गंदी लग रही है वैसे चेन, पर चलो देख लेते हैं क्या करना क्या नहीं करना। तो फटाफट से इसका सफाई अभियान शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले सूखा कपड़ा मारने के बाद ना ये आ गया पानी का स्प्रे, तो जैसे ये साथ से स्प्रे करते जाओ
और स्प्रे करके इससे साथ साथ हल्के हाथ से क्लीन करो, बिकॉज हमें हेयरलाइन स्क्रैचेस बिल्कुल नहीं चाहिए होते हैं। तो फिर जब हम ज्यादा मिट्टी हो तो सूखा कपड़ा ज्यादा मारो ना, उससे स्क्रैचेस आते हैं, तो उसे अवॉइड करना है। अगर ज्यादा हल्की फुल्की थोड़ी सी धूल है उसे साफ कर लो एक माइक्रोफाइबर से, तो फिर ये कर लो, नहीं तो सीधा पानी मारो और पानी मारने के बाद इसे साफ करो। तो पहले पूरा अच्छे तरीके से पानी मार के साफ कर लेते हैं, फिर करेंगे पॉलिश। तो देखो अब हमने पानी से इसकी सारी क्लीनिंग कर दी है, अब टाइम है पॉलिश का। अब पॉलिश किस तरह से मारनी है, ये इस तरह से स्प्रे करते जाना है। ये पॉलिश बहुत ही बढ़िया है, इसको सारी पॉलिश को इस पर स्प्रे कर देना है, सिर्फ जहाँ पे पेंट पार्ट है, हमारी हायाबुसा का जो ब्लू ब्लू कलर है वहाँ पे हम इसे अच्छे से स्प्रे कर देंगे, थोड़ी देर से सेटल होने देंगे, उसके बाद साफ कर देंगे। मतलब एक मिनट के बाद इसे पूरा क्लीन कर देते हैं और बाइक बहुत चमक जाएगी। तो ये इसका नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है, तो उन्हें बहुत पसंद आई हमारी बाइक। मैं साफ कर रहा था तो मैंने उनको आवाज भी सुना दी, बहुत सारी डिटेल पूछी उन्होंने जो आरोही ने रिकॉर्ड नहीं किया। गलत बात है, रिकॉर्ड करना चाहिए, अगली बार से रिकॉर्ड करना। तो देखो अब पॉलिश हो गई है, मैं साथ देखो शाइन दिखाओ एक बार, ये देखो शाइन, देखो क्या निकल के आ रही है। और ये ना बिल्कुल मतलब जैसे टच करो तो इतना स्मूथ हो जाता है। तुम एक बार टच करो, इसे टच करो, कैसी फील आ रही है? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर कुछ कोटिंग चढ़ गई है एक और, एकदम हाँ, हाँ, तो बस ये ही कोटिंग ना, ये ही इसी का सारा कमाल है इस पॉलिश का। अब इसे अच्छे से चमका लेते हैं, अभी आगे से पूरी साफ करनी है, टंकी तो पूरी चमक गई है, देखो कैमरा शक्ल ही दिख रही है। अब इसे अच्छे से चमकाते हैं और फिर लास्ट में एक बार ना आपको बाइक दिखाते हैं अच्छे से। तो ये देखो भाई अपनी बाइक पूरी चमक गई है, पॉलिश वॉलिश करके ना मैंने लिशका दी है पूरी, देखो कितनी सेक्सी लग रही है ये, देखो एक नंबर। अब बस इसे नीचे लेके जाएंगे, अच्छे से ढकते हैं, ढक के कवर कर देते हैं ताकि मॉर्निंग तक ये साफ रहे, क्योंकि कल की राइड संडे राइड पे जब ये जाएगी मुझे मॉर्निंग में इसे साफ करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो फटाफट से चलते हैं इसको लेके नीचे, और नीचे जाके इसे अच्छे से कवर कवर करके रख देते हैं। एंड यस, आपको मोटो व्लॉग देखने को मिलेगा संडे राइड का, जब मेरा Insta360 भी आ जाएगा। Insta360 पे ही मोटो व्लॉग बनेगा, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया मोटो व्लॉग लास्ट का खराब हो गया जो आपने अभी देखा, तो थोड़ा सा सबर कर लो, अच्छा सा मोटो व्लॉग आपको जल्दी ही दिखाया जाएगा। एंड यस, सेकंड एंगल से भी मैं शॉट्स लेने की कोशिश करूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर उसका माउंट भी साथ आ जाएगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक शॉट और लूं जो मुझे फेस करेगा कैमरा, और उस तरह से आपको अच्छा मोटो व्लॉग दिखाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। 10,000 सब्सक्राइबर अपने हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, तो आप भी उस टीम का, उस मेरी फिट आर्मी का पार्ट बनो ताकि ये सफर हम साथ में अच्छे से करें। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, होपफुली मेरा जो Insta360 आएगा उसकी अनबॉक्सिंग व्लॉग में आपको मिलेंगे, एंड कोशिश करेंगे छोटा सा मोटो व्लॉग भी आपको दिखाने का उस दिन या तो संडे राइड वाले दिन। तो जल्दी ही आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।